अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दो हफ्तों से एक शो मैं कर रही हूँ सैलाब पर, जो कि हमारे फ्लड सिंध में, पूरे सिंध इस टाइम में शिकार है। और हमारे साथ काफ़ी पुअर पीपल्स हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और रोड्स पे फंड डोनेशंस के लिए निकले हैं। और मैं खुद निकली रोड्स पर, मैंने खुद जो है कभी सोचा नहीं था कि इस तरह सिग्नल्स पे खड़ी होंगी, जैसे बैगर्स खड़े होते हैं, मांग रहे होते हैं और जमा करते हैं, ऐसे मैंने फ़ंड जमा किया और मैं सिंध में लेके गई और हैदराबाद लेके गई, नूरियाबाद लेके गई, वहाँ सब जगह गई और डिस्ट्रीब्यूट किया अपने हाथों से। आज इसी तरह हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका घर भी गिर चुका है, उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई और वो मेरे शो के ज़रिए। वैसे ये शो बहुत हंसी मजाक वाला होता है, क्योंकि आपको पता है तारा रारा नाम ही कुछ ऐसा है कि लोग सुन के भी हंसते हैं कि यार ये कोई मशकरी है। लेकिन मैंने सोचा कि अपने शो पर उन लोगों को बुलाया जाए जो इस टाइम में इस चीज़ का शिकार हैं। हमारे साथ शो पे हैदर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि लाइफ में क्या हुआ और ये जो फ्लड का सिचुएशन चला, इनके घर का क्या हालात हैं, कोई हेल्प मिली गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी गवर्नमेंट हमेशा मेरी ना अहल है, मैं हमेशा यही कहती रहूँगी, चाहे मेरी कोई सुने ना सुने, हमारी भुट्टो गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट, पीपी गवर्नमेंट, मुझे आपको जो करना है करें। आप मुझे कहते हैं कि मुझे काफ़ी थ्रेड्स भी मिल रही हैं कि आप ऑन ईयर ये सब बातें कर रही हैं, तो जो बात सच है वो सच करेंगे, भले मेरे कहने से कुछ हो या ना हो। हैदर से पूछेंगे, हैदर गवर्नमेंट का क्या कहेंगे? गवर्नमेंट हमारी, वालेकुम सलाम, हमारी तरफ से तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ना हिले, जाके जैसे बुढ़ी मरे, बुढ़ी क्या किसी समंदर में अल्लाह उनको गर्क करे, ऐसे नहीं बोलो दादा। तकरीबन मैं बोला, जब से यह सिलसिला जारी है हमारे गांव में एक बंदा नहीं आया। एक MNA है, दो MPA है, उनको बेटे साईं मुराद अली शाह के ये सलाहकार बोलते हैं, वो बने हुए हैं। कल मैं हैदर से ये पूछूंगी किस सिटी से बिलोंग करते हैं और क्या इनकी सिटी में इश्यूज चल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने बिल्कुल फंड नहीं दिया, कोई हेल्प करने नहीं आया। जी हैदर। जी दादा, हमारी सिटी है जिला टंडू मोमन खान, उससे टंडू मोमन खान के अंदर गांव में हमारा हाजी सोबो चांडियो, उधर बिल्कुल गवर्नमेंट कोई भी बंदा जैसे MNA MPA वगैरह दे कोई भी नहीं आया। उधर तकरीबन सारे गांव के जो 24 घंटे बारिश चली थी इसमें घर गिर चुके हैं, कोई भी बंदा उधर पूछने नहीं आया, जैसे MNA या MPA या उनके जो बंदे होते हैं कुछ भी नहीं आया। बेचारे गरीब अभी कोई भी चल मेरे साथ देखे, बेचारे उधर नहर है उसके किनारे पे बैठे हुए, इतना पानी खड़ा हुआ, अभी तक पानी वगैरह नहीं निकला, बिल्कुल वो तंगी हालत में, कैसे खाना पकाते हैं छोटे छोटे बच्चे कैसे खाते हैं, बिल्कुल रोज़गार नहीं है। जो बेचारा रोज़ 300-400 कमाता था, इस बारिश में वो घर पे बैठा हुए, कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से तावन नहीं है। अभी ये हालत देखते हम बिल्कुल सैड हो गए, अभी क्या करेंगे आगे, हमारा क्या होगा, क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे? हमारा यही है, जैसे देखो ना, हमारे MPS MNA जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो हमारे गांव के दो सलाहकार हैं वजीर मुराद अली शाह के, वो भी नहीं कर रहे कुछ, वो आते बस एक ही बार सलाहकार साहब आया था, चक्कर लगा के चला गया, उसके बाद कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है। वो जो बेचारे जनों के पास छत नहीं है, मैं खुद हूँ, मेरी भी छत नहीं है, मेरे भी बच्चे रोडों पर सड़कों पर बैठे हुए, आ जाएं देखें कुछ करें, पर कोई भी कुछ नहीं है। इतना जालिम जमाना हो गया, इंसानियत इनों से पीपल्स पार्टी वालों से चली गई है। वोट के टाइम पे बोलते हैं बाबा हम तुम्हारे नौकर, हम तुम्हारे बड़े हैं, अबू की तरह हैं, हम आपके साथ हैं। अभी जब हमारे पे मुश्किल वक्त आया, नहीं कोई PTI का आया हुआ है, नहीं कोई JDA का आया हुआ है, नहीं कोई पीपल्स पार्टी का आया हुआ है। सही बोल रहे हो, हमारे पास यही तीन पार्टी है, JDA, पीपल्स पार्टी, PTI। राशन मिल रहा है आपको, ये जो हमारे कैंप्स वगैरह लग रहे हैं, यहाँ से कोई हेल्प आउट? कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी उधर बंदा नहीं गया। चलो हम तो अभी भी कुछ अपना जो टेंट वगैरह जैसे कर, उधर जो हिंदू कमेटी चारी उनों के देखो क्या हालत है। अच्छा, तो क्या इन फ्यूचर क्या आप क्या कहेंगे? हम यही अपील करेंगे, गवर्नमेंट को भी करेंगे, जो फिलहाल इदारे काम कर रहे हैं, भाई आ जाओ हमारे गांव का विजिट। कौन कौन सी सिटीज हैं जो इस चीज के जेर निशाना हुई पड़ी हैं? काफी हमारे सिटीज हैं, आप कौन कौन सी सिटीज हैं जो आपकी सिटीज के साथ साथ हैं, जिनको आपका पता है?
दादा हमारे साथ गोलारची भी लगता है, बदीन भी लगता है, चंबड़ तलार भी लगता है, चंबड़ भी लगता है, नहीं चंबड़ दूर है, दूर है ये, चंबड़ वो दूर है। चंबड़ का इलाका भी बड़ा है, हाँ ये सारा इस तरफ दादू की तरफ देखो क्या पोजीशन लगी हुई है, हाँ। कुछ भी नहीं है, हर जगह है। सही बात है। तो ये है हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मैं अपील कर सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जो हमारा अगर कुछ सुने तो आप लोग हेल्प आउट करें, ये टाइम है इनके साथ खड़े होने का, हमसे जितना हुआ हमने किया, आपने मेरी बिल्कुल एक्टिविटीज़ देखी होंगी। जी बिल्कुल दादा, ये आपको हमने बोला, एक रिक्वेस्ट की RNN न्यूज़ की तरफ से, हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचाओ किसी की तरफ, ऐसी कोई जो हमारे नज़दीक जो गांव की ज़िले की मीडिया वगैरह है, जैसे शहर के नज़दीक हर कोई शाहरुख खान बनने के लिए काम कर रहा ऐसा ही है, है। जैसे दूर जैसे हमारा गांव है 35 किलोमीटर, कोई भी रोड भी इतना है, मैं बोलता हूँ कोई जाएगा तोबा करेगा भाई इस तरफ नहीं जाना। सही अभी बात तक है। जब हम पैदाइश हुए कभी रोड भी हमने नहीं देखा कोई बना हुआ है, उधर हमारे गांव का खुद का सलाहकार है, हम अच्छा उसी जिस गांव में हम रहते हैं वो भी उसी में रहता है, CM साहब का वो भी सलाहकार है, अच्छा कोई नहीं आया कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगे, आपके आपका घर गिरा तो आपको कोई मदद किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी मदद कोई नहीं इतने की, हमारे कैंप्स लगे हैं तो क्या कहेंगे, JDC का कैंप है, बस हमारे और भी काफी वर्कआउट कर रहे हैं, तो किसी किसी ने हम किसी सब को आपने रिक्वेस्ट की या किसी के पास आप गए? नहीं दादा, आप किसी के पास नहीं गए, अभी आपके पास फर्स्ट टाइम आए हुए हैं आपको, बाकी हाँ जिसके पास मैं मुलाजमत करता हूँ साहब के, उसने मेरी हेल्प की है, मैं मानता हूँ माशाल्लाह उसने मेरे साथ सही अच्छा सा तावन किया है ये बहुत अच्छी बात है, जी। अल्लाह अजर दे। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक दूसरे की हेल्प करें, ये टाइम है हमारे सिंध, हमारा सिंध बहुत मुश्किल वक्त में, हमारे सिंध के लोग बहुत मुश्किल वक्त में, इट्स टाइम टू डू समथिंग। तो प्लीज गाइस प्लीज, जो अल्लाह ने जिनको नवाजा हुआ है, जिनकी जो हैसियत है, तो एक दूसरे की हेल्प करें और ये सोच कर करें कि मैं तो ये मेरा ये ईमान है कि आप हाथ जो है देने वाला रखो, मौला आपको देगा, लेने वाला नहीं रखो, देने वाला रखो, चाहे 2 रुपए हैं, 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करो। इस टाइम ये लोग बहुत मुश्किल वक्त में हैं, इनको नीड है टेंट्स की, कैंप्स की, राशन की, जो कपड़ों की, जूतों की, तो प्लीज़ आप हेल्प करें। मैं अपनी RNN न्यूज़ टीम के साथ गई थी हैदराबाद, कोटरी विजिट किया, बहुत बहुत खस्ता हाल था वहाँ का, वहाँ के लोग कोई डेंगू का शिकार है, कोई क्या, कोई कोई किस बीमारी में है, कोई किस बीमारी में है, उनके पास इतने पैसे नहीं है वो मेडिसिन ले, जितना गवर्नमेंट से हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये है कि फंडिंग सही जगह पे जाएं तो लोगों को मिल भी सकें। बिल्कुल तो इंशाल्लाह जितना मुझसे हुआ हैदर मैं करूँगी और मेरी टीम आपके साथ है, और गवर्नमेंट को भी अपील हमने की है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस दादा, हम यही जो आते हैं वोटों के लिए उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे, भाई अभी हम मुसीबत में आ जाओ, इतना करो कुछ हमारे को, कोई टेंट कुछ दे दो, हम अपने बच्चों को किधर सुकून से साए में तो बिठाएं, सही जो बात है। बेचारे चल के देखें उधर देखें नहर है, नहर के ऊपर बैठे हुए हैं, उसमें भी पानी है, कल कोई बच्चा उसमें अंदर चला जाए उसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है यहाँ पे, तो कोई नहीं होगा जिम्मेदार, वो जिम्मेदार बोले, वो तो यही बोलेंगे आप तो, हमने तो मिन्थ नहीं की इधर बैठो, सही बात है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है सुनकर। अल्लाह रहम करे, ये टाइम हम पे मुश्किल वक्त का है, आजमाइश का है, बहुत जल्दी टल जाएगा ये आजमाइश, अल्लाह अपने नेक बंदों पे लाता है, तो आप परेशान नहीं हुए हो ना, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो जो इस मुश्किल वक्त में हैं, तो परेशानी का हल होता है, तो इंसान इंसान के काम आता है, जो जो है जिन जिनके पास अल्लाह ने नवाजा है, मैं देख रही हूँ हेल्प आउट भी कर रहे हैं, कैंप्स भी लगाए हुए हैं और जितना हो रहा है सब कर रहे हैं, और मेरी ये अपील है हैदर की तरफ से, गवर्नमेंट को अपील है, लोगों को अपील है कि जो जितनी हेल्प आउट कर सकता है हेल्प आउट करे, डोनेशन करे। RNN न्यूज़ का इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, अगर कोई 1 रुपया भी देना चाहता है, इंस्टाग्राम पे विजिट करें, मेरे अपने सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ विजिट करें, क्योंकि ये सिचुएशन हमारा मुल्क 10-20 साल पीछे जा चुका है, क्योंकि एक बहुत एक हरा भरी चीज़ जब वो पानी और ये सब चीज़ें जो है रह जाती हैं, तो ज़रूरत होती है एक अच्छे हुक्मरान की। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हुक्मरान हैं, सच्चे हैं, लेकिन क्या पता उनकी भी कोई मजबूरी हो कि हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा मेजोरिटी है, या क्या पता वो उनको फंड्स टाइम पे नहीं मिल रहे हो, सो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो अगर मैं भी गवर्नमेंट को जितना कहूँ, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, किसी पे हम लड़ाई ये वो, बहुत लोग हैं
जो आपस में एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी ये लड़ने का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे को रिक्वेस्ट की जाए, एक दूसरे से मदद मांगी जाए और एक दूसरे की हेल्प की जाए। क्यों हैदर? सही बात, बिल्कुल। आपको जज्ब देना चाहिए, इतना रात के अंधेरे में रोडों पे, सड़कों पे सिग्नल हम देखते रहते हैं, आपकी वीडियोस वगैरह, आपके पेज वगैरह देखते रहते हैं। ये आपको सलाम, एक औरत हो के इतनी गरीबों तक पहुंचे हैदराबाद, ये आपको जज्ब देना चाहिए। मौला ने कहा है कि मुझे गरीबों से मोहब्बत है, तो मैं कहती हूँ मौला को जिससे मोहब्बत है मुझे उससे मोहब्बत है। बिल्कुल, तो मुझे इन सबसे प्यार है जो जो इस टाइम मुश्किल वक्त में है, चाहे वो पुअर हो चाहे गरीब हो, जितना मुझे नवाजा हुआ है मैं सब, जितना हुआ मैं हेल्प आउट करूंगी और मुझे मिलता है अल्लाह देता है, मैं जितनी हेल्प करती हूँ उसके राह में निकालती हूँ वो देता है, देने वाला बिल्कुल, है बिल्कुल देने वाला वही है। क्या मैसेज दोगे अपना देखने वाले को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे फैंस को या हमारी RNN न्यूज़ की टीम के जरिए? बस दादा हम यही बोलेंगे जो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए उनों को कुछ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ मुझे अकेले को, सारे जो भी है जिधर भी है, शायद मेरे से मुश्किल में लोग पड़े होंगे, पहले उन्हों की करो बाद में। जी हाँ बिल्कुल, आज मेरे साथ हैदर मौजूद है, टंडो मोहम्मद खान सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका घर डूब चुका है, जो इस टाइम बहुत मुश्किल वक्त में। तो प्लीज़ गाइज, आप इस जैसे हज़ार लोग हैं जिनको मैं ऑफिस ऑन स्क्रीन ला सकती हूँ, जिनको मैं नहीं ला सकती, आप हेल्प करें, मदद करें और फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए ऐसे दुख के साथ। दिखाया नहीं जाता लेकिन मजबूरी है कि शायद कोई हेल्प करने वाला निकले। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद, मेरी टीम को रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।